छोड़ो आना जाना के जीना लग लगाए आइए। मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत मेरी की तरह तू तड़पे। ये वो गाने हैं जो महान गायक मोहम्मद रफ़ी ने धर्मेंद्र के लिए गाए थे। रफ़ी साहब ने धर्मेंद्र के लिए एक से बढ़कर एक हिट गाने गाए। आज जाम में उठे न तो मोहब्बत कर तो ले लेकिन ऐसे जीते हैं भला हमसे सीखो ये अदा ऐसे क्यों जिंदा है लोग। धर्मेंद्र को आगे बढ़ाने में रफ़ी साहब के गाए गानों ने भी अहम भूमिका निभाई। जब रफ़ी साहब ने जोशीले धर्मेंद्र को अपनी आवाज दी तब इस जोशीले के जोश और गायक की आवाज का एकदम सटीक मेल हुआ। मैं जट यमला पगला दीवाना हूँ रब्बा इतनी सी बात न जाना। यही वो गाना है जिसकी बदौलत धर्मेंद्र की दबंग और जोशीले हीरो की छवि बनी और यही गाना आगे चलकर धर्मेंद्र का पर्याय बन गया। ऐसे एक से बढ़कर एक गाने हैं जिनकी बदौलत मोहम्मद रफ़ी ने धर्मेंद्र की रोमांटिक भावनाओं का भी बखूबी इजहार किया। किसी में ये कशिश कहां जो आप में प्रेम की गली में एक छोटा सा घर बनाया जाते। ऐसे भी गाने हैं जिनकी मदद से धर्मेंद्र ने हसीनाओं के दिलों को लूटा था। उन हसीनाओं में एक थी ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी, जो धर्मेंद्र की अदा पर ऐसी फिदा हुई कि वो धर्मेंद्र की जीवन संगिनी बन गईं। बनकर ख्यालात पर छा गया अब तो कोई हंसे। इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट श्वेता जया बताने जा रही हूँ उन गानों के बारे में जिन गानों की मदद से धर्मेंद्र ने अपनी महबूबा हेमा मालिनी के दिल को लूटा था। इस वीडियो में जानेंगे धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के लिए गाए रफ़ी साहब के उन गानों के बारे में जिन गानों ने धर्मेंद्र और हेमा के बीच नज़दीकियाँ बढ़ाई। तो कीजिए थोड़ा इंतजार और बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, लाखों करोड़ों दिलों की हसरत ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी को धर्मेंद्र पर फिल्माया गया जो गाना सबसे अधिक पसंद आया था वो गाना था साल 1966 में रिलीज हुई बहारें फिर भी आएंगी फिल्म का गाना, जिसे रफ़ी साहब ने गाया था। आप कहा तो कुछ। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की मुलाकात साल 1970 में हुई थी जब दोनों फिल्म तुम हसी मैं जवां की शूटिंग कर रहे थे। फिल्म में दोनों का लीड रोल था और उसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां आनी शुरू हो गई थी। इसका जिक्र हेमा मालिनी की बायोग्राफी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल में किया गया है। इस फिल्म में जब पहली बार सिल्वर स्क्रीन पर धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी बनी थी तब उस फिल्म में रफ़ी साहब ने दोनों के लिए गाना गाया था और ये गाना फिल्म की सिचुएशन के लिए तो सटीक था ही, साथ ही साथ धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के बीच जो रिश्ता पनप रहा था उसके लिए भी बिल्कुल सटीक था। फिल्म थी तुम हसीन मैं जवां, वो गाना था आपको पहले भी कहीं देखा है मैं यारू बरू पर देखा है। एक आश्चर्यजनक संयोग ये कि जब रफ़ी साहब के इंतकाल के ठीक पहले रफ़ी साहब का जो आखिरी गाना रिकॉर्ड हुआ उसे भी धर्मेंद्र और हेमा मालिनी पर ही फिल्माया गया। फिल्म थी आसपास और गाना था तू कहीं आसपास है दोस्त। तू कहीं आसपास है दोस्त। हेमा मालिनी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने सबसे पहले धर्मेंद्र को जिस फिल्म में देखा था वो फिल्म थी 1966 में आई फिल्म बहारें फिर भी आएंगी। उन्होंने इंटरव्यू में ये भी कहा था कि उन्हें उस फिल्म का वो गाना बेहद भाया था जिसे धर्मेंद्र एक साथ तनुजा और माला सिन्हा के लिए गाते हैं। खुले लटों की छांव में
खिला खिला ये रूप है। जब ये फिल्म आई थी उस समय हेमा मालिनी की उम्र थी 18 साल। इसके ठीक दो वर्ष बाद 1968 में हेमा मालिनी ने हिंदी फिल्मों में एंट्री ली। फिल्म थी सपनों का सौदागर। इस फिल्म के दो साल बाद 1970 में धर्मेंद्र और हेमा पर्दे पर एक साथ आए। ये फिल्म थी तुम हसीन मैं जवान। ले जाए मौज उड़ा ले जिंदगी में, तुम हसीन मैं जवान, तुम हसीन मैं। ये आश्चर्यजनक संयोग है कि हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की जोड़ी की पहली फिल्म के गाने को भी मोहम्मद रफी ने आवाज दी थी। आप में ऐसा जलवा नजर आ गया, प्यार बनकर ख्यालात पर। इस गाने में रफी साहब का साथ दिया था आशा भोसले ने। आपको पहले भी कहीं देखा है, आप में यारू करू पर देखा है। इस फिल्म के साथ पहली बार लोगों ने पर्दे पर इतनी खूबसूरत और हसीन जोड़ी देखी। साल 1970 में ही धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की एक और फिल्म आई थी शराफत। शराफत छोड़ दी मैंने, शराफत छोड़ दी। शराफत में धर्मेंद्र और हेमा की जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया। धर्मेंद्र और रफी साहब के गानों का जिक्र होने पर लोगों के जहन में जो गाना सबसे पहले आता है वो है 1975 में आई फिल्म प्रतिज्ञा का गाना। ऐसा नहीं होता तो वो ऐसे शर्माती ना। इस गाने में धर्मेंद्र साहब के डांस और उनके अंदाज का कोई जवाब नहीं, लेकिन आपको शायद ही पता हो कि इस गाने को गाते समय रफी साहब भी नाचे थे और गाते गाते सीटियां भी बजाने लगे थे। ओ मैनू प्यार करती है, सजे उत्ते ओ मरती है। इसके एक साल बाद ही 1976 में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी की एक और फिल्म आई। फिल्म थी चरस और इसका गाना खूब हिट हुआ। के आजा तेरी याद आई, के आजा तेरी याद आई। पर्दे पर धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी हिट हो रही थी और उन दोनों की जोड़ी की कामयाबी में रफी साहब के गाए गानों का भी खूब योगदान रहा। न केवल सिनेमा के पर्दे पर बल्कि पर्दे के पीछे भी हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के बीच नजदीकियां बढ़ रही थीं। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी वर्षों तक प्यार में रहे और आखिरकार उन्होंने 1980 में शादी कर ली। ये भी संयोग ही रहा कि उसी साल यानी 1980 में 31 जुलाई को रफी साहब इस दुनिया को अलविदा कह गए। जाते जाते शायद यही कह गए कि तुम दोनों जीवन में खुश रहो और हमेशा एक दूसरे से प्यार करते रहो। ये भी एक संयोग रहा कि रफी साहब के मौत के पहले उनका जो अंतिम गाना रिकॉर्ड हुआ उसे धर्मेंद्र और हेमा की फिल्म आसपास के लिए रिकॉर्ड किया गया था। आसपास है दोस्त। आज रफी साहब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन रफी साहब ने धर्मेंद्र के किरदारों को जिस तरह अपनी आवाज से नवाजा उसे दुनिया हमेशा हमेशा याद रखेगी। तो दोस्तों आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।